जनपद सदस्य राजू कुशवाहा ने अपने ही वार्ड में सफाई करने को हुए मजबूर। राजू कुशवाहा ने बताया कि उनके वार्ड में साफ सफाई अच्छे से नहीं की जा रही थी। उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत को भी बताया और जनपद पंचायत को भी बताया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वार्डवासियों और जनपद सदस्य ने अपने ही आप में जो है अपने से सफाई की। जनपद सदस्य राजू कुशवाहा ने बताया कि पंचायत स्वच्छता का झूठा नाटक करती है, पूरे नगर में कहीं पर भी सफाई नहीं की जाती और सफाई के बोर्ड बिना वजह लगा रखे हैं, जिससे सरकार को गुमराह कर धोखा दिया जा रहा है। जनपद सदस्य राजू कुशवाहा ने यह भी बताया कि अगर कुछ दिनों में सफाई नहीं की गई तो पंचायत और जनपद पंचायत का सभी वार्ड वासियों सहित घेराव करेंगे और नगर का कचरा वहीं पर फेंक देंगे। आप जनप्रतिनिधि होने के बावजूद आपको सफाई करनी पड़ रही है, आप क्या सुनवाई नहीं की जा रही है क्या आपकी? पंचायत सचिव को पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन पंचायत सचिव इसे और ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मुझे सफाई करनी पड़ रही है। जनपद सदस्य हैं आप, इसके अलावा अगर पंचायत आपकी नहीं सुनती तो आप जनपद में भी तो बता सकते हैं। मैं जनपद कार्यालय को 2-3 दिन के अंदर अंदर घिरवा दूंगा अगर वो सफाई नहीं होती है तो। आपने पहले कभी ज्ञापन दिया है जनपद या पंचायत में? पंचायत को मौके रूप से बता चुके हैं, फिर भी पंचायत से सुन नहीं रहे हैं। ये जो नालियों की जो सफाई आप कर रहे हैं, ये पिछले कितने दिनों से ये ऐसी बंद पड़ी हुई हैं? ये तो साल भर से ऐसी डली हुई है, एक बार भी सफाई नहीं हुई इनकी। जब से बनी जब से सफाई नहीं की गई? एक बार भी सफाई नहीं की गई। लागत मूल्य राशि इनकी कितनी बताई गई थी? इसकी तो अभी मुझे जानकारी नहीं है। मतलब लाखों की लागत से बनी हुई नालियों को बिल्कुल सफाई नहीं की जा रही है? बिल्कुल, लाखों की है। यहीं पर चौक है या सभी जगह पर ऐसा ही? ज़्यादातर पूरी नगर में यही स्थिति है। यही स्थिति है। पंचायत तो बता रही है कि सफाई निर्माण का प्रतिदिन चल रहा है। नहीं चल रहा, ये पंचायत सब झूठ बोल रही है। स्वच्छता अभियान के बोर्ड भी लगा रखे हैं इन्होंने, ये सब दिखाने के लिए लगा रखे हैं, कहीं कुछ नहीं है। वास्तव स्थिति में कहीं कुछ नहीं है, वास्तव स्थिति में कुछ नहीं है। आप जाने नहीं, मैं जाने ये सामने चल रही है। हाँ, पिछले कितने दिनों से चल रही है ये? करीबन ये मान लो महीना भर हो चुका है। मैंने कई बार पंचायत में सरपंच साहब को फोन लगाया है, लेकिन सरपंच साहब ये बोले थे अभी नौकरी आप छोटे मोटे लोग हो, अभी थोड़े बाहुबली इंसान है, मार्केट में सफाई चल रही है, यहाँ नौकरी टाइम मिल जाएगा तो करवा दी जाएगी, नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। मैं आवेदन भी दे चुका हूँ, मैं मुख्य रूप से भी सूचित कर चुका हूँ और मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगा रखी है इन लोगों की, पर ये से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। कार्रवाई क्या, काम ही नहीं हो रहा कुछ, काम नहीं। गंदगी देख रहा हूँ कितनी मची हुई है, मजदूर लगा रखे हैं 2-2, 4-4, माता का प्रोग्राम है लेकिन सुनवाई नहीं। मंदिर के यहाँ गंदगी मचा रखी है, नाली खोल रखी है, ये क्या है, ये चौक कर रखी है पूरी। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ वार्डवासियों को ही सफाई करनी पड़ेगी, पंचायत से कोई ना तो आ रहे हैं, पंचायत वाले तो ये बोलते हैं फंडी नहीं है, पैसे ही नहीं है, कर्मचारी तो आ ही नहीं रहे। चलाया जा रहा है, काहे का स्वच्छ अभियान, कुछ नहीं है। सेक्रेटरी भी पूछते हैं, बोल देता है कि फंड नहीं है, पंचायत में फंड नहीं है। और अभी फोन लगाया, आज से 4 दिन पहले लगाया सरपंच साहब को, तो वो ये बोले थे नौकरी करा दी जाएगी, आज 5 दिन हो गए, आज फिर लगाया तो नौकरी 9 बजे के बाद फोन लगाना, ये कोई बात होगी? सफाई कर्मी 29 है, एक है इस मोहल्ले में, महीने में एक आध बार आता है तो आता है, नहीं आता। मैं कई बार मतलब इसकी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन पंचायत का कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है।